एज कंपेयर टू बाकी चीजें। जर्नल एंट्रीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जर्नल एंट्रीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है सभी को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक है एक्सपेंसेस वाला, जिसमें हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जब आप डिसोल्यूशन कर रहे हैं तो आपकी फॉर्म में बहुत सारे काम होते हैं और उसमें बहुत तरह के खर्चे भी इन्वॉल्व होते हैं, एसेट को बेचना है, लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, इन सबको करते हुए कुछ खर्चे होते हैं जिनको कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे ये पहला केस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 रुपीज। इस केस का सिंपल सा मतलब ये है, डिसोल्यूशन के टाइम पर कुछ खर्चे हुए हैं जो कंपनी ने ही बियर करने थे और कंपनी ने ही पे करे। यहां पर देखिए लिखा कुछ नहीं है कि किसने बियर करे और किसने पे करे, बट इस केस में हम अज्यूम करेंगे कि कंपनी ने ही पे करे हैं और कंपनी को ये पैसे भरने थे, इसलिए इस फर्स्ट केस की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे, ये फर्स्ट एंट्री है इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 रुपीज। और नरेशन बन जाएगा पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो ये पहला केस हो गया जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कंपनी ने ही पे करे हैं और कंपनी की ही लायबिलिटी थी उन्हें पे करने के लिए। अब चलते हैं सेकंड केस पे, पहला वाला बिल्कुल सिंपल केस था। सेकंड केस देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स, एक्सपेंसेस एक्स ने पे करे हैं। अब देखिए यहां पर यह नहीं माना गया कि किसने बियर करने हैं या किसकी लायबिलिटी थी पे करने की। अब आप याद रखना ये चीज, जब भी ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ मेंशन ना हो कि किसकी जिम्मेवारी थी उन एक्सपेंसेस को पे करने की, तो अज्यूम करेंगे कंपनी की जिम्मेवारी थी। यानी कि ये जो सेकंड केस है इसमें हम क्या बनाएंगे स्टेटमेंट, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कंपनी की लायबिलिटी थी 8,000 रुपए पे करने की, बट वो पार्टनर ने पे कर दी। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, पार्टनर एक्स मेड पेमेंट ऑफ 8,000 रुपीज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस पार्टनर को पेमेंट देगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अगेंस्ट। तो यहां पर एंट्री बनेगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये देखिए सेकंड एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। हम यहां पर एक्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि कंपनी ने उसको ये पैसे अब देने हैं क्योंकि एक्स ने कंपनी के बिहाफ पर पेमेंट करी है। तो ये सेकंड केस खत्म हो गया। दोबारा समझा रहा हूं सेकंड केस, यहां पर पेमेंट करनी थी फर्म को, फर्म की लायबिलिटी थी बट फर्म ने पे नहीं करी, उसका एक पार्टनर है एक्स, उसने पे कर दी फर्म के बिहाफ पर। तो कंपनी की लायबिलिटी पार्टनर ने पे करी, तो कंपनी उस पार्टनर को 8,000 रुपए ट्रांसफर करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन डेबिट टू एक्स कैपिटल। अब आते हैं थर्ड केस में, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। अब यहां पर क्या हुआ, पार्टनर को बियर करने थे, कंपनी ने पे कर दिए, उल्टा हो गया ये। तो लिखा हुआ है ना ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, कंपनी ने पे करे 10,000 रुपए पे करने थे पार्टनर को। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी, उल्टा हो जाएगा सेकंड वाले के कंपैरिजन में, कंपनी यहां से पार्टनर के अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेगी। तो एंट्री बनेगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया और टू बैंक, क्योंकि कंपनी ने पे करे हैं इसलिए टू बैंक हो गया, बैंक को हमने कर दिया क्रेडिट। तो नरेशन क्या बनी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, कंपनी ने पे करे ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पर, ठीक है। फोर्थ केस में आते हैं अब हम, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000 रुपए वर पेड बाय फर्म, फर्म ने पे करे, ये क्लियर हो गया। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर has to bear these expenses। देखिए थर्ड केस और फोर्थ केस बिल्कुल सेम है, यहां पर भी यही चीज हुई कि पार्टनर को पे करने थे, पार्टनर को बियर करने थे बट पे कर दिए कंपनी ने, तो कंपनी पेड ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। तो सेम एंट्री बनेगी यहां पर भी, क्या होगी फोर्थ में, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऊपर वाले में हमने सेम एंट्री करी थी, वहां पर पार्टनर का नाम नहीं था सिर्फ, इसलिए वहां लिख दिया था पार्टनर्स कैपिटल। तो फोर्थ केस में एक्स का नाम है तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट 15,000 रुपए एंट्री में हमने ट्रांसफर कर दिए डेबिट में और क्रेडिट में। अब चलते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस ये रहा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000 वर पेड बाय फर्म, 20,000 रुपए के खर्चे कंपनी ने पे किए, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति आ पार्टनर। देखिए ट्रांजेक्शन समझिए पहले, टोटल खर्चे कंपनी ने जो पेमेंट दी है टोटल खर्चे की वो दे करी है 20,000 रुपए की, उसमें से ये जो टोटल 20,000 रुपए के खर्चे हैं इसमें से 8,000 तो कंपनी को ही पे करने थे, वर टू बी बोर्न बाय फर्म 8,000 की कंपनी की ही जिम्मेवारी थी, बट बाकी जो बचे 12,000 रुपए वो पे करने थे एक पार्टनर को। अब यहां पर क्या हुआ, देखिए 8,000 का क्या हुआ, देवर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड देवर पेड बाय फर्म, फर्म को ही बियर करने थे, फर्म ने पे कर दिए 8,000 रुपए, बट 12,000 रुपए के लिए क्या हुआ, पार्टनर को बियर करने थे और फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी कितने से, 12,000 रुपए से, क्योंकि पार्टनर का खर्चा कंपनी ने पे कर दिया। तो अब यहां पर हम एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, फिफ्थ केस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए, ये वो खर्चा है जो कंपनी को ही बियर करना था और कंपनी ने ही पे करा। मारुति कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 12,000 रुपए के खर्चे पार्टनर ने बियर करने थे, कंपनी को कंपनी की जिम्मेवारी नहीं थी उनकी, बट कंपनी ने पार्टनर के बिहाफ पे पे कर दिए, तो कंपनी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी। तो रियलाइजेशन डेबिट 8, मारुति कैपिटल डेबिट 12 और कंपनी ने टोटल पे करे हैं टू बैंक में 20,000 रुपए। तो यहां देखिए नरेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, फर्म शेयर ऑफ एक्सपेंस डेबिट टू रियलाइजेशन, उसका जो हिस्सा था खुद का वो रियलाइजेशन में डेबिट, और बैलेंस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट, क्योंकि वो हमें पार्टनर से चार्ज करने हैं क्योंकि हमने उसके बिहाफ पर पे करे। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में, सिक्स्थ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20, यहां पर भी 20,000 है ऊपर वाले की तरह, टोटल खर्चा 20,000 रुपए, 8,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, इसमें से 8 फर्म ने बियर करने थे, इतना पोर्शन बिल्कुल ऊपर वाले से मैच करता है, एंड बैलेंस बाय पार्टनर, ये भी पूरा, यानी कि ऊपर वाली जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो एज इट इज यहां तक आ गई। अब आगे क्या लिखा उसमें, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, एक्सपेंसेस वर पेड बाय मारुति, देखिए अब इसमें क्या होगा, छठे केस में एंट्री बनी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए। अब हमने देखा था इस सिक्स्थ केस के अंदर कि जो टोटल खर्चे हैं वो तो थे 20,000 रुपए के, देखिए वापस मैं सिक्स्थ केस पर लेकर आ रहा हूं आपको, ये वाला टोटल खर्चे 20,000 थे, 8,000 कंपनी ने बियर करने थे और कंपनी ने ही पे करने थे, सॉरी कंपनी ने बियर करने थे और 12,000 रुपए बियर करने थे पार्टनर ने, और सारे के सारे खर्चे टोटल पेमेंट कर दी मारुति ने। अब कंपनी देखिए, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई भी हिस्सा जो पार्टनर ने ही बियर करना हो, जो पार्टनर ने ही बियर करना हो और पार्टनर ही उसे पे कर दे, तो उस अमाउंट से कंपनी को कोई मतलब नहीं है। वापस सुनिए, मारुति को 12,000 रुपए के खर्चे बियर करने थे यानी कि उसको देने थे और उसने ही दिए, तो कंपनी इससे कोई कंसर्न नहीं है, कंपनी इसकी अपने पास कोई एंट्री पास नहीं करेगी। अब बात आई हमारे पास 8,000 रुपए की, भाई 8,000 रुपए की जिम्मेवारी थी कंपनी की, बट वो किसने पे कर दिए, क्योंकि मारुति ने टोटल 20 दिए उसमें से 8 ये वाले भी थे जो उसने दे दिए कंपनी के बिहाफ पर, तो अब कंपनी इस केस में क्या करेगी, कंपनी उसको 8,000 रुपए उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेगी, ये है सिक्स्थ एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए। वापस सुन लीजिए एक बार, 12,000 से यहां पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि 12,000 रुपए की पेमेंट पार्टनर को करनी थी और पार्टनर ने ही करी है, तो इस एक तरह से आउटसाइड द बिजनेस हो गया वो, इसलिए कंपनी उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगी अपने पास। अब चलते हैं नेक्स्ट केस पे, सेवन, सुधीर, सुधीर अ पार्टनर,
was allowed a remuneration of 10,000 to carry out dissolution of the firm. सुधीर एक पार्टनर है फर्म में, उसको 10,000 रुपए की सैलरी दी गई डिसोल्यूशन का काम करने के लिए. कंपनी ने बोला भाई तू सारा काम संभाल, हम तेरे को 10,000 रुपए का रिम्यूनरेशन देंगे इस काम के बदले में. ही वॉज टू बियर ऑल एक्सपेंसिस ऑफ रियलाइजेशन, उसको ही सारे खर्चे बियर करने थे, विच अमाउंटेड टू 16,000 वर पेड बाय फर्म. सारे खर्चे उसको बियर करने थे, 16,000 रुपए हुए खर्चे, और वो किसको, वो किसने पे करे, वो पे करे कंपनी ने, और कंपनी ने उसको 10,000 रुपए की सैलरी भी दी. अब देखिए इसको समझिए किस तरीके से एंट्री पास करेंगे इसकी. ये एंट्री बनी हुई यहां पर 7, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, बैंक 16,000 रुपए. अब देखो इसको समझाता हूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे बनेगी. सबसे पहली चीज, कंपनी ने उसको 10,000 रुपए का रिम्यूनरेशन देना ही देना है, ठीक है, यानी कि कंपनी का खर्चा हो गया 10,000 रुपए जो उसको सैलरी देनी है, इसलिए कंपनी ने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर लिया 10,000 रुपए. उसके अलावा उसके 16,000 रुपए के टोटल एक्सपेंस थे जो उसको बियर करने थे, बट वो कंपनी ने पे कर दिए, ठीक है, वो कंपनी ने पे करे 16,000 रुपए, तो टू बैंक में ये 16,000 रुपए. अब सवाल आता है कि ये वाले 6,000 रुपए, ये इसकी ये वाली चीज कहां से आई. अब ये कैसे होगा, देखिए कंपनी ने 16,000 रुपए पे करे पार्टनर के बिहाफ पे, ठीक है, कंपनी ने उसको 10,000 रुपए देने भी थे क्योंकि उसके रिम्यूनरेशन थे, तो कंपनी ने कहा भाई हमने तो 6,000 रुपए तेरे बिहाफ पे कर दिए ना फालतू, जो तेरी जिम्मेवारी थी, है ना, 16,000 रुपए टोटल खर्चे थे जो सुधीर को बियर करने थे, बट कंपनी ने पूरे 16,000 रुपए बियर कर लिए और कंपनी ने 16,000 रुपए पे कर दिए, और कंपनी ने उसको बोला कि भाई हम तेरे को 10,000 रुपए देंगे भी, तो कंपनी उससे अब 6,000 रुपए लेगी. कहने का मतलब है रिम्यूनरेशन और एक्सपेंस की पेमेंट को कंपनी ने आपस में एडजस्ट कर दिया, और जो एक्सेस खर्चा हुआ 6,000 रुपए का, वो कंपनी ने उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करके उससे चार्ज कर लिया. ये होगी आपकी 7th एंट्री. अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 8th. रवि अ पार्टनर इज अलाउड अ रिम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन व्हिच अमाउंटेड टू 5,000 वर्क पेड बाय फर्म. अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, चलिए इसकी एंट्री पे चलते हैं. पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल टू बैंक अकाउंट. अब समझते हैं इस एंट्री को कि ये एंट्री क्यों बनी. सबसे पहली चीज, जब भी पार्टनर का रिम्यूनरेशन दिया होगा कि कंपनी उसको काम के बदले में कुछ सैलरी दे रही है, तो वो पूरा की पूरा पैसा आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में डालेंगे. तो यहां पर मैंने क्या करा, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट कर दिया 15,000 रुपए का, ठीक है. अब 5,000 रुपए के खर्चे थे रियलाइजेशन के जो उसने बियर करने थे, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वापस ले चलता हूं एक बारी. ही इज टू बियर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 5,000 एंड देवर पेड बाय फर्म. यानी कि कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने उसके बिहाफ पर 5,000 रुपए पे कर दिए. जैसे पिछली एंट्री की थी हमने, वहां पर तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम एक्सेस पैसा पार्टनर से हमने चार्ज किया था जब हमने यहां पर सुधीर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था. बट इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमें उसको पैसा देना पड़ेगा. कैसे, देखिए हमने उसको टोटल देने हैं 15,000 रुपए, बट हमने 5,000 रुपए की पेमेंट करी है उसके बिहाफ पे, यानी कि हम उससे 5,000 रुपए लेंगे भी, तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भाई हमने तुझे 15,000 रुपए देने हैं और 5,000 रुपए तुझसे लेने भी हैं, तो एक काम करते हैं हम तेरे कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपए नेट जो फिगर आई वो हम कर देते हैं क्रेडिट. तो एंट्री कंप्लीट कैसे बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए जो टोटल सैलरी देनी है उसको, टू उसके कैपिटल में हमने
₹10,000 ट्रांसफर कर दिए जो नेट एडजस्टमेंट हुई, और बैंक से गए कंपनी की जेब से ₹5,000 जो कंपनी ने एक्सपेंसेस पे करे। ऐसे करके बनेगी ये वाली एंट्री। अब चलते हैं 9th एंट्री पर। अनिल अ पार्टनर, उसको हमने रिवेन्यूशन पे करा ₹20,000 का। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹7,500 वर पेड बाय फर्म। 7500 के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे। अब देखो यहां पर समझने वाली चीज क्या है, यहां पर समझने वाली चीज ये है कि एक्सपेंसेस किसने पे करे, कितने पे करे, कैसे बनी वो चीज। अब इसको समझेंगे। अब हमें जो उसको रिम्यूनरेशन देना है वो है ₹20,000 का, और ₹7,500 के एक्सपेंसेस लिखा हुआ है पेड बाय फर्म। देखिए यहां पर देवर पेड बाय फर्म, तो एंट्री क्या बनेगी। अब मैंने अभी बताया था जो खर्चा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो रिम्यूनरेशन पार्टनर को दिया जाता है वो, और जितने एक्सपेंसेस कंपनी ने पे करे और कंपनी को ही बियर करने थे अगर, वो सारा की सारा पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, लिखा हुआ है 7500 वर पेड बाय फर्म, ये नहीं बताया खर्चा बियर कौन करेगा। जब भी ये मेंशन ना हो कि कौन बियर करेगा, तो हमेशा आपने याद रखना है कंपनी बियर करेगी। तो इस केस में ₹7,500 के खर्चे कंपनी ने बियर करे और कंपनी ने ही पे करे, एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज, कंपनी ने ₹20,000 की उसे सैलरी भी दी है। जब सैलरी देते हैं तो मैंने बताया रियलाइजेशन में डेबिट करो, तो रियलाइजेशन में 20 डाले और ₹7,500 का खर्चा क्योंकि कंपनी ने ही पे करना है और कंपनी ने ही बियर करना है, इसीलिए वो भी रियलाइजेशन में डेबिट होगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में टोटल डेबिट में चला जाएगा मेरा ₹27,500। अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू अनिल कैपिटल, कितना जो उसे हमने रिमुनेशन देना है, और टू बैंक जो हमने खर्चे पे करे ₹7,500 के। इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट होगी। नेक्स्ट पे आते हैं हम 10th वाली एंट्री। सुनील को हम रिमुनेशन दे रहे हैं ₹25,000 का, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ₹9,000 का। देवर पेड बाय हिम, पिछले में लिखा हुआ था पेड बाय फर्म, बट अब लिखा हुआ है पेड बाय हिम, यानी कि अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको समझिएगा ध्यान से। एंट्री बना दी हमने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था देवर पेड बाय हिम, इसका मतलब है उसने, मैंने बोला कि जब मेंशन ना हो कौन बियर करेगा, तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे फर्म बियर करेगी, कंपनी बियर करेगी। इसका मतलब ये बना ₹9,000 का खर्चा कंपनी का था जो उस पार्टनर ने बियर करा, तो हम उस पार्टनर को देंगे, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, हम उसको और क्या दे रहे हैं, हम उसको ₹25,000 का रिम्यूनरेशन भी दे रहे हैं, सैलरी भी दे रहे हैं। वापस सुन लो एक बारी, पार्टनर को ₹25,000 का रिम्यूनरेशन भी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ में हम उसे ₹9,000 भी देंगे एक्सपेंसेस के, क्योंकि उसने हमारे बिहाफ पर ₹9,000 पे करे हैं। तो अपने यहां पर जो मैं एंट्री लिखूंगा फर्म में, वो एंट्री बनेगी मेरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ₹34,000 टू सुनील कैपिटल। इन दोनों अमाउंट को जोड़कर ये एंट्री बनेगी, क्योंकि दोनों की दोनों पेमेंट मुझे उस पार्टनर को देनी है। आखिरी केस ये, विजय अ पार्टनर पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10,000 एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम। अब दोस्तों इस केस में एंट्री नहीं पास होगी, नो एंट्री देखो यहां पर, क्योंकि खर्चा बियर भी पार्टनर ने करना है और पे भी किया पार्टनर ने, तो ये आउटसाइड द फर्म हो गया, इसलिए कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी इसकी अपने पास किसी भी तरीके से एंट्री पास नहीं करेगी। तो ये हो गए आपके एक्सपेंसेस वाले केसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।